आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion, transforming lives through the word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर, महान और भव्य नाम में मैं पास्टर प्रेस आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जब हम हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा परमेश्वर के वचन, ज्ञान और योजना में आगे बढ़ाए जाएंगे। बाइबल इब्रानियों के 4:12 में हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, एक्टिव है और जीवंत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इस तरह से संभालें कि हम हर एक चीज़ को भेद सकें, हर एक परेशानी से खुद को बाहर निकाल सकें, शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ को अपने जीवन पर से तोड़ सकें। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन सही मायने में छुटकारे को लेके आता है और आज पास्टर ज़ायन आपको परमेश्वर के वचन से सही ज्ञान और नीतियां सिखाएंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि अपने पूरे परिवार के साथ इस सेशन को आप देखें और वचन के ज्ञान में आगे बढ़ें और अपने जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार को जीवंत रूप से, भव्य रूप से देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक साथ मिलकर इस वक्त परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं। आओ बढ़ते हैं। Praise the Lord, Hallelujah, धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में। तू अच्छा है, भला है, धन्यवाद देता हूँ। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे भाई और बहनों के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास इस प्रोग्राम के साथ, हमारे साथ जोड़ा हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज इनके हृदय खुले हों, तेरे वचन को विश्वास, आनंद और दीनता के साथ ग्रहण करने के लिए। तेरा वचन अनुग्रह को लेकर आता है, तेरा वचन विश्वास लेकर आता है, संपूर्ण समाधान देता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सब लोग जो तेरे वचन को आज सुन रहे हैं, इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, इनके जीवन में एक संपूर्ण समाधान मिले, ये अनुग्रह में आगे बढ़े और तेरे लिए चमकने पाए। यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन सारे तमाम गवाहियों के लिए, सुंदर कार्यों के लिए जो आपके जीवन में हो रहा है इस प्रोग्राम आओ बढ़े के द्वारा। जैसे कि परमेश्वर ने हमें नाम दिया आओ बढ़े, जिसका मतलब है चलो हम आगे बढ़ते हैं, मतलब हमारा जीवन एक स्तर में अटका ना रहे। प्रेज गॉड, हम आगे बढ़ते रहें, आत्मा में आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़ें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आगे बढ़ें, एक्सलेंस में आगे बढ़ें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे एंड ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी समझ बहुत बहुत ज़रूरी है। यू नो, परमेश्वर ने हम सबको जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया कि हम सिर्फ उसके एक एक चीज़ के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और उसके जीवन के साथ साथ
वो हमें अगुवाई भी करता है और ये हम पर छोड़ता है कि हम उसकी अगुवाई को चुने या ना चुने। जब हम उसकी अगुवाई को चुनते हैं वो हमें और बढ़ाता है। जैसे वचन दिखाता है कि जो छोटी बातों में विश्वसनीय है वो बड़ी बातों में भी विश्वसनीय होगा, उसे और चीज़ें दी जाएंगी, उसे प्रमोशन मिलेगा। सो इट इज़ दिस वे, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें रोबोट्स नहीं बनाया कि वो हमें सिर्फ कंट्रोल करे, उसने हमें जीवन दिया है और इस जीवन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिव्य जीवन मिला है, प्रभु का जीवन मिला है। आज हम परमेश्वर की संतान हैं, सिर्फ परमेश्वर की सृष्टि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पवित्र आत्मा हम सब में आया, हमारे अंदर एक नए जीवन को लेकर आया, परमेश्वर के पुत्र का जीवन, परमेश्वर का जीवन। आज परमेश्वर हमारा पिता है, हम उनकी संतान हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और एज अ पुत्र, पुत्र होने के नाते हमें एक अलग तरीके का जीवन दिया गया है, स्वर्गीय जीवन, आत्मिक जीवन, दैवीय जीवन। प्रेज गॉड। और इस जीवन को जीना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इस जीवन को जीना सीखना या तो इस जीवन में ट्रेन होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और कुछ चीज़ों के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, वो हमारी दायित्व होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठ के हम सब ब्रश करते हैं, राइट, मुंह धोने के लिए नहाते हैं, पूरे शरीर को साफ करने के लिए। ये परमेश्वर ही है जिसने हमें अकल दी है और जिसने सफाई के बारे में ज्ञान दिया है और हाथ पैर हमारे आज चलते हैं कि हम अपने आप को साफ कर पाए, ब्रश कर पाए, नहा पाए, साबुन लगा पाए, अपने आप को क्लीन अप कर पाए ताकि हम फ्रेश हो पाए। और इस वक्त अगर कोई कहे कि नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं नहाने नहीं जाऊंगा, पानी मेरे ऊपर आ जाए और मैं यीशु के नाम में शुद्ध हो जाऊं, मैं नहा लूं, तो ये मूर्खता होगी। ये मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी आपको सब कुछ दे चुका है जिससे कि आप नहा पाओ। अभी और किसी चीज की जरूरत नहीं है जिससे जो आपके जीवन में बाधा बन रही है ना नहाने के लिए। सो इट्स एज स्ट्रेट। नाउ इसी उदाहरण को लेते हुए मैं थोड़ा सा आत्मिक जाऊंगा। परमेश्वर ने हमें आत्मिक इंद्रियाएं दी हैं, आत्मिक क्षमताएं दी हैं, आत्मिक जीवन दिया है। जिस तरीके से शारीरिक जीवन है उसी तरीके से आत्मिक जीवन है। और बाइबल हमें दिखाती है कि हमें स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना है, आत्मिक व्यायाम करना है, ताकि हमारी आत्मा हमेशा चुस्त रहे, फिट रहे। प्रेज गॉड। ताकि हम आत्मा की इंद्रियों को इस्तेमाल कर पाएँ, आत्मा की क्षमताओं को इस्तेमाल कर पाएँ और इस पृथ्वी के जीवन में प्रभु के लिए चमक पाए, प्रभु के लिए जी पाए, एक असाधारण जीवन जी पाए, रोशनी से भरा हुआ जीवन जी पाए। एक स्क्रिप्चर से चीज दिखाऊंगा, पहला तिमोथी 4:8, और ये कहता है, फॉर बॉडीली एक्सरसाइज प्रॉफिटेथ लिटिल बट गॉडलीनेस इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स हैविंग द प्रॉमिस ऑफ द लाइफ दैट इज नाउ एंड ऑफ द लाइफ विच इज टू कम। प्रेज गॉड। वो कहते हैं कि शारीरिक व्यायाम फायदेमंद है परंतु उसका फायदा थोड़ा सा कम है, सिर्फ शारीरिक स्तर तक सीमित है, परंतु आत्मिक व्यायाम, गॉडलीनेस, इसको कुछ कुछ ट्रांसलेशंस में स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी कहा गया, ये है गॉडलीनेस, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज इज प्रॉफिटेबल अनटू ऑल थिंग्स, हर एक चीज में ये फायदेमंद है। प्रेज गॉड। आत्मिकता हर एक चीज में लाभदायक है, शारीरिक प्रयास सिर्फ
कुछ बातों में लाभदायक है, परंतु आत्मिक प्रयास हर एक चीज में लाभदायक है, वो इस जीवन में जो पृथ्वी में है और उस जीवन में जो पृथ्वी के बाद है। हर एक चीज में आत्मिक व्यायाम लाभदायक है, आप इस पार हो या उस पार हो। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हम किस तरीके से आत्मिक व्यायाम करें। हाउ डू आई एक्सरसाइज स्पिरिचुअली, हम अपने आत्मा को एक्सरसाइज कैसे करें। नाउ फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का अर्थ क्या है? जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज का या तो व्यायाम करने का, लेट्स सी शरीर में क्या होता है। शारीरिक व्यायाम में हम शरीर को हिलाते हैं या तो भागते हैं या तो शरीर को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हर एक शरीर का अंग इस्तेमाल में होए, फ्रेश होए। प्रेज गॉड। अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो न इस्तेमाल होने के कारण वो जो शरीर का अंग है वो धीरे धीरे ढीला हो जाएगा या तो धीरे धीरे वो कमज़ोर होता जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज का रिजल्ट क्या होता है? एक्सरसाइज का रिजल्ट ये होता है कि वो शरीर के अंग जो जिस चीज़ के लिए बने हैं अच्छे से काम करते हैं और ज़्यादा ताकतवर होते हैं। प्रेज गॉड। सिर्फ खाना खाना काफ़ी नहीं होता। मान लो दो व्यक्ति है जिनकी डाइट बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, जिम जाता है, अलग अलग तरीके के व्यायाम करता है, और दूसरा जो सिर्फ खाता रहता है, सोता है, टीवी देखता है, दोबारा खाता है, सोता है, टीवी देखता है। दोनों व्यक्ति का डाइट सेम है, परंतु एक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और एक बहुत वीक हो जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति एक नॉर्मल इंसान से भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। हो सकता है उसे जब भागने के लिए बोला जाए, एक व्यक्ति एक चुटकी में 100 मीटर भाग जाए और दूसरा व्यक्ति हाँफने लग जाए 10 मीटर बाद ही। क्यों? अंतर क्या था? एक व्यक्ति ने एक्सरसाइज किया और दूसरे व्यक्ति ने एक्सरसाइज नहीं किया। तो उसके पास सेम शरीर है बिना एक्सरसाइज किया हुआ, और क्योंकि उसके पास सेम शरीर है जिसको कभी भी यूज में नहीं लाया गया, पहली बार यूज हो रहा है, और उसकी क्षमताएं होते हुए भी वो कमजोर है। क्या उसे और एक पैर की जरूरत है? उसे और एक पैर की जरूरत नहीं है। जो पैर उसके पास है उसी को एक्सरसाइज करवाने की जरूरत है, उसी को इस्तेमाल करने की जरूरत है। प्रेज गॉड। सो What do we understand? जब हम आत्मिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं, आत्मिक चीज़ों को कार्य में लाते हैं, that is a part of exercise. Praise God. Praise God. सबसे पहले हमने देखा कि एक्सरसाइज क्या है, अब हम बाइबल से देखेंगे। फर्स्ट टिमोथी चैप्टर 6, टिमोथी को पॉलुस बहुत अच्छे से समझा रहा था, अपना बेटा मानते हुए जीवन की शिक्षाएं दे रहा था। अभी कहता है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ, वेयर ऑन टू दाउ आर्ट कॉल्ड, प्रेज गॉड, and has professed a good profession before many witnesses. कहता है कि एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ो, एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ो, और वो अनंत जीवन जो तुमने पाया है, जिसकी गवाही तुमने दी है, उसको पकड़े रहो। Praise God. तो सबसे पहले है विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ना। विश्वास की अच्छी लड़ाई कैसे लड़ते हैं? इनफैक्ट विश्वास की लड़ाई क्या है? ये बाइबल कहती है कुश्ती भी कहती है, कुश्ती युद्ध भी, मल्लयुद्ध भी कहती है।
ये क्या है विश्वास की लड़ाई, विश्वास का मलयुद्ध क्या है? मलयुद्ध में क्या होता है, ये रसल जो है ये क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि ये युद्ध क्या होता है। दो अलग अलग फोर्सेस एक दूसरे से टकराती है, राइट? दैट इज मलयुद्ध। अविश्वास की लड़ाई का अर्थ है कि ऐसे परिस्थितियां जीवन में आती हैं जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियां विपरीत का मतलब क्या है? जो इतनी सुंदर नहीं है, ऐसी परिस्थितियां जो मतलब चुनौतियों से भरी हुई है। और उस समय जब आप विपरीत परिस्थितियों से घिरे हो, आप अकबकाते नहीं हो, आप चिंता में नहीं पड़ते, परंतु परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते हो, इस जीवन को पकड़े रहते हो, परमेश्वर के वचन से प्रेरणा लेते हुए विश्वास में बने रहते हो, और परिस्थिति को, उन विपरीत परिस्थितियों को अपने काबू में कर लेते हो आत्मिक क्षमताओं के द्वारा। आत्मिक क्षमताओं का इस्तेमाल होता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी छोटी छोटी बात भी क्यों ना हो, शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। बहुत बार एक व्यक्ति, मैं एक उदाहरण के साथ कहता हूँ, जब एक बच्चा बड़ा होता है, अब धीरे धीरे अपने जवानी में आता है, हर एक चीज़ के लिए अपने मम्मी को, अपने डैडी को कहता है कि मुझे पैसे दे दो, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। एक टाइम आता है कि कहते हैं कि नहीं, अब तुम बड़े हो गए, खुद भी कुछ करो, तुम्हारा एजुकेशन कंप्लीट हो गया, देखो तुम क्या करना चाहते हो, कुछ करो, राइट? सो उसे कहा जाता है कि तुम अपने एबिलिटीज को इस्तेमाल करो, तुम अपने क्षमताओं का इस्तेमाल करो, उस बच्चे को कहा जाता है। द सेम वही है, परमेश्वर कुछ बातें आपके जीवन में होने देती है। शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से होती है, छोटी छोटी चीज़ों से, और वो चीज़ें जब आपके जीवन में आती हैं, परमेश्वर का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि आप एक अच्छे विश्वास की लड़ाई लड़ो, एक अच्छे तरीके से विश्वास की लड़ाई लड़ो, उन विपरीत परिस्थितियों में अकबकाओ नहीं, उन विपरीत परिस्थितियों में रो नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को पकड़े रहो। इस तरीके से परमेश्वर के वचन को पकड़े रहो जैसे कि वचन ही सच है, बाकी हर एक चीज जो दिखाई दे रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। यीशु ने एक बार कहा कि मेरा वचन चट्टान की तरह है, जो मेरी बातों को सुनता है वो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया है। आंधी आई, टकराई, तूफान आया, टकराया, हर एक चीज़ आकर चली गई, परंतु वो खड़ा रहा। तो ये विपत्ति के दिन हम उसके वचन को पकड़े रहते हैं। Isn't it so easy? हमें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट चिंता करने की ही कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पता है कि वचन क्या कहता है, हमें बस उसके अनुसार करना है, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें परमेश्वर पे डाल दो। परमेश्वर हमारा पिता है, हमें अपना पार्ट करना है। व्हाट इज दैट? वचन को अपने जीवन में पूरा करना है, दैट्स इट। और ये एक अच्छे विश्वास की लड़ाई होती है। इसी वर्स में दूसरी चीज कही है, ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ व्हेरऑन टू थाउ आर कॉल्ड। उस अनंत जीवन को पकड़े रहो जिसमें तुम्हारी बुलाहट है। हम सब की एक बुलाहट है, हम सब के जीवन के लिए एक दर्शन दिया गया है, परमेश्वर का एक प्लान है। पहले तो हम विश्वास की लड़ाई लड़ते हैं विपरीत परिस्थितियों को जीतते हुए। दूसरी जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि अपने बुलाहट को बचाते हुए। आप जानते हो परमेश्वर ने आपको किस चीज के लिए बुलाया है। अगर आप नहीं जानते, आई वुड सजेस्ट कि आप चर्च सर्विस को और ज्यादा सीरियसली लेना शुरू करें।
आप उपवास करें और आत्मा में आभास जरूर होगा कि आप किस चीज के लिए बुलाए गए हो, और प्राइमरीली आप प्रभु के लिए बुलाए गए हो। ये सब के लिए है, परंतु प्रभु किस तरीके से इस्तेमाल करेगा वो अलग बात है। आप इस सुसमाचार के निमित्त, ज्योति के राज्य के निमित्त, मसीह के कार्य के निमित्त बुलाए गए हो, परंतु ये अलग अलग हो सकता है। हम सब की एक यूनिक दुनिया है, तो किस तरीके से प्रभु आपको इस्तेमाल करे वो अलग बात हो सकती है, परंतु हम सब प्रभु के लिए बुलाए गए हैं, अच्छे कार्यों के लिए बुलाए गए हैं, रोशनी के लिए बुलाए गए हैं हम सब। तो जब हम अपनी बुलाहट को समझते हैं, जानते हैं, उस बुलाहट को पकड़े रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी एक विश्वास की लड़ाई है। जब हम अपनी बुलाहट को पकड़े रहते हैं, यू नो, जब परमेश्वर हमें एक बुलाहट देता है, वही चीज़ शैतान हमसे छीनने की कोशिश करता है, वही चीज़। क्या आप चर्च में एक लीडर हैं? क्या आप को परमेश्वर ने खास तरीके से अभिषेक किया है कुछ स्पेशल टास्क के लिए? परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और उस बुलाहट को पकड़े रहना, उस बुलाहट को अपने हाथ से जाने ना देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपने बुलाहट को पकड़े रहना है, अपने बुलाहट से हाथ नहीं धोना, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। ऐसी चीज़ें होगा, यू नो, बहुत बार होता है, आपके मन में ऐसे ख्याल आए, ओह मैं अब चर्च में नहीं जाऊँगा, ओह मुझे पास्टर अच्छे नहीं लगते, ओ पास्टर ने सबके सामने मुझे डांट दिया। ये सारी बचपना की चीज़ें हैं। जब आप समझते हो कि ये राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, स्वर्ग का राज्य है, बचपन की बातें चली जाती है। बचकानी बातें मूर्खता होती है, बचकानी सोच मूर्खता होती है। शैतान तो यही चाहता है, वो डांट जो आपके जीवन में आशीष का कारण था, वही डांट आप इस तरीके से ले लें। शैतान ये चाहते कि वो डांट आप इस तरीके से ले लें कि आप अपने, यू नो, अपने बुलाहट से ही हाथ धो बैठे। ये वो समय है जब आपको एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। किसके विरुद्ध? अपने फीलिंग्स के विरुद्ध, और आत्मा के इंस्पिरेशंस के द्वारा। आत्मा में प्रेरणा होती है, आत्मा का अंश आपको कहता है कि ये सही रास्ता है, और शरीर आपको कहता है कि नहीं, मुझे इस रास्ते में नहीं चलना। एक समय होता है कि डिफ़िकल्ट लगता है आपको, परिस्थिति डिफ़िकल्ट लगती है, मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरे सामने है, परंतु वो समय आप कहते हो कि नहीं, मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं डटा रहूँगा, परमेश्वर ने जिस चीज़ के लिए मुझे बुलाया है उस चीज़ को मैं करता रहूँगा। Praise God. So that's a fight. That's a fight. And that's an exercise. Praise God. Praise God. हर एक ऐसे एक्सरसाइज के बाद, जब आप निरंतर एक्सरसाइज करेंगे, आप पाएंगे कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। परमेश्वर आपको और आगे बढ़ा रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है आत्मिक स्तर में। Praise God. Praise God, praise God, praise God. हम इस विषय में आगे और बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि अभी समय समाप्त हो गया है। मुझे यकीन है परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, और ये समय है आपके हृदय में पवित्र आत्मा डाल रहा है कि ये समय है प्रभु को आदर देने के लिए अपने ऑफरिंग्स के द्वारा। तो स्क्रीन्स पे दिए गए डिटेल्स में आप अपने भेंटों को, अपने दसवां अंशों को, पहलौटों को, धन्यवाद की भेंट को दे सकते हैं। और जैसे दें, हृदय के साथ दें, खुले दिल के साथ, आनंद के साथ दें। बाइबल कहती है, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। प्रेज गॉड। और जैसे आप अपने भेंटों को दे रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद परमेश्वर इन भाइयों और बहनों के लिए जो इस वक्त अपने भेंटों को दे रहे हैं। ये विश्वासी हैं, तभी ये अपने विश्वास के साथ
ये कार्य जोड़ नहीं पाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी आत्मा और ज़्यादा हक के साथ इनके जीवनों में कार्य करती है। धन्यवाद पिता, जो वचन ये आज सुने हैं उस वचन को ये करने वाले बनते हैं, इनका जीवन पहले से और आगे बढ़ता है। मैं इन सबको यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ और ये घोषणा करता हूँ कि ये सब जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, कोई दे रहा हो या ना दे रहा हो, तेरे सुरक्षा के हाथ के नीचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इनके घर में मैं शांति को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आप सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो इस तरीके से वफादारी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, वचन को अपने जीवन में पूरा करते हैं और गवाही के साथ वापस आते हैं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हरा कर नरक से वो दोबारा जी उठा, ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सब के लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे, और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोले, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में आमेन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं, और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमेन। Jesus said it's more blessed to give than to receive. Jesus said it's more blessed to give than to receive. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church.